सऊदी सरमायाकारी वफ जो पाकिस्तान में है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, क्या लग रहा है, कब तक इसको अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा? तो जो ऑपरेशनल वर्ड है इसमें जो आपने अभी गुफ्तगू की वो है कि अमली जामा इसको कब तक पहनाया जाएगा। सो लेट्स लुक एट द सेक्टर्स। आई थिंक रिकॉर्ड एक जो कि माइंस एंड मिनरल्स की एक इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू है। आई थिंक बैरक गोल्ड भी कीन है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ सकती है। उसमें अगर हम अपना अच्छा होमवर्क करें कि जो हमारे 25% हिस्सेस हैं उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसका जो कैश फ्लो अगले 100 साल आना है उसको आज हम किस वैल्यू पे बेच सकते हैं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ ने उस पर काम किया होगा। नंबर दो, आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट है तो अगले 3 से 5 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी यील्ड्स को बेहतर करके, मैकेनाइजेशन करके और कॉर्पोरेट फार्मिंग करके, पाकिस्तानियों के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी, हम ना अपनी फूड सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, अपना जो इम्पोर्ट 10-11 अरब डॉलर का बिल है उसको डेंट कर सकते हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। सो अगर इन दो एरियाज में ही हम कुछ कर सकें तो दैट वुड बी अ गुड थॉट। मैं फिर कहता हूं कि ये 2019 से लेके आज 2024 में खड़े हैं, ये 5 साल से ये गुफ्तगू चल रही है। 2019 में तो मैं खुद टेबल पे मौजूद था, 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान में मौजूद थे। उस वक्त एक बहुत ही तवील गुफ्तगू हुई और ये तय हुआ कि हम इन एरियाज पे मूव करेंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट का इनर्शिया, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को बिल्ड किया है कि वो अमली जामा, जैसे कि हिना ने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, पहना सकें उन गुफ्तो शनीद को। ये तो गुफ्तो शनीद ही है ना कि आपने मुझे कहा कि मैं एक्सप्रेस पे आऊं और बात करूं। अगर इफ यू कांट गेट मी ऑन एक्सप्रेस एंड क्लोज दैट डील देन इट्स नो गुड। सो इसको अमली जामा पहना सके। वक्त ये है कि इमरान अब कोई चीज क्लोज हो सो दैट मैं दुनिया को कह सकूं कि यू नो व्हेन आई टॉक टू एन इंटरनेशनल फ्रेंड हु इज मैनेजिंग मनी ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो आई कैन टेल हिम कि यार पाकिस्तान हैज क्लोज्ड अ डील। एमओयूज और वो सारी चीजें अभी भी अच्छी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो इंसानों को बड़ा स्मार्ट होना चाहिए जो गवर्नमेंट साइड से डील कर रहे हो। आप स्पीच वो सुने जो उन्होंने की है, आप अपनी स्पीच तो दें। आप भी चूंकि बड़े अहम इन फैसला साजी के मराहिल का हिस्सा रहे हैं, सऊदी साहब डेफिनेटली आप बैठे होंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन भी हुई होगी, जो कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स रही है। तब तो प्रिंस खुद आए थे पाकिस्तान के अंदर, रॉयल हाइनेस, तो क्या माइंडसेट आप क्या देखते हैं आई मीन सऊदी इन्वेस्टर्स का टूवर्ड्स पाकिस्तान? आपने 2-3 बड़े अच्छे शोबों का जिक्र किया जिसमें फूड सिक्योरिटी का नाम बिलखसूस आपने लिया, उसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक भी है, दीगर मामला भी हैं, और पाकिस्तान की जो रिलीजियस एफिलिएशन है वो भी बड़ी एक बड़ा मस्बत अमल है या बड़ा मस्बत एक अंसर है इस सारे ताल्लुक को बेहतर करने के लिए। लेकिन व्हाट आर द की या कोर इंटेंशंस दैट यू सी इन सऊदियंस जिसको पाकिस्तान कैश कर सकता है, इससे फायदा उठा सकता है? देखिए उन्होंने कितनी मदद की आपकी। जुलाई में जब आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे तो 2 अरब डॉलर उन्होंने आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बगैर लेतो लाल के प्लेस कर दिए। अब इससे बड़ा दोस्त क्या हो सकता है आपका? उन्होंने आपको तेल उस वक्त डिफर्ड पेमेंट पे दिया, मीनिंग इमरान के हम साल बाद पेमेंट ले लेंगे जब आपको जरूरत थी। हाउस ऑफ सऊद से पाकिस्तान की हर इदारे की, एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, हमारी जब भी इंगेजमेंट हुई है इट हैज बीन अ पॉजिटिव इंगेजमेंट। ये तो मतलब मैं खुद ये हाल बयान कर सकता हूँ ना, एक बहुत ही करीबी ताल्लुक है, पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, बहुत बड़ी रिमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान, सो इसमें कोई वो नहीं है। बट ये भी याद रखें कि अब उन्होंने अपने मुल्क को बहुत जल्दी तब्दील कर दिया है। 2030 का जो विजन है उनका वो ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 2047 में हमारी इकोनॉमी कुछ बन जाएगी। मैं तो इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं करता, ना वो कोट करते हैं किसी और को कि वो उसने ये कहा है कि ऐसा हो जाएगा। हिज रॉयल हाइनेस ने अपने टारगेट्स रखे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली टेक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, नई जो उन्होंने सिटीज बनाई हैं, और सबसे बढ़ के जिस तरह आप जाइए वहां पे, जिस तरह खवातीन, जिस तरह हिना आपके साथ बैठी हैं वहां पे, खवातीन रिटेल आउटलेट्स में बैठ गई हैं जो कि एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है। सो जस्ट सी के हाउ क्विकली कंट्रीज कैन चेंज। दे आर ऑयल रिच। व्हाई आर दे ऑयल रिच? बिकॉज ऑब्वियसली तेल की कीमत $80 से तजावज करके जब 85-90 डॉलर पे गई है, सो दे हैव डन वेल। अरामकोट का 2.5% दुनिया के
बोर्ड्स पे जब उन्होंने लेके गए तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, सो दे हैव डन वेरी वेरी वेल एंड आई मीन खुशी होती है कि भाई अच्छा करे। अब पाकिस्तान में उनका जिन सेक्टर्स में दो में कलीदी इंटरेस्ट है वो आपके सामने रख दिया है। कल आपने एक जिक्र किया कि जी बिजनेसमैन को आगे बैठना चाहिए, यार देखें बिजनेसमैन को सामने लाना है तो आपने कल सारी स्पीचेस सुनी होंगी, उसमें से एक भी स्पीच पाकिस्तानी बिजनेसमैन की नहीं थी, एक भी स्पीच पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर की नहीं थी। इफ यू वांट टू शोकेस योर कंट्री देन ब्रिंग दोज पीपल हु हैव टू डिलीवर। सो आई थिंक इससे भी आगे बढ़े, बट ये अच्छी बात की है अथॉरिटीज ने कि हम उनको आगे बैठा, उनको कहिए कि आके अपनी कहानी इसका मतलब हम ये ले कि हम बाहर ये प्रिटेंड तो कर रहे हैं या ये कहने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की सतह पे हो या एस्टेब्लिशमेंट SIFC की सतह पे हो, कि हम इनकरेज करें अपने बिजनेसमैन को, लेकिन ऑन पर्टिकुलर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ये फैब्रिकेटेड ये इस किस्म की सेरेमनीज भी हैं, इनको मजीद थोड़ा ओपन अप करना होगा, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और मतलब मैं तो कहता हूँ आप आसानी से इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंसीडर करें। SIFC इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड टुडे। SIFC एक कोऑर्डिनेटिंग अदारा, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अदारा है, उसने कुछ प्रोजेक्ट्स भी पिच किए हैं और वो इसको कंटिन्यूसली जैसे कहते हैं कि पुश भी कर रहा है, मतलब मैं पुश का वर्ड इसलिए यूज करता हूँ कि हार्श वर्ड है बट चलें अच्छी बात है। सो एक आई थिंक एक तसलसल से चीज चल रही है, लेट्स होप कि something comes out of it. यही वजह शायद जिसकी वजह से सरमायाकारी हो रही है और हम देख रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अब पैसे देने के बजाय उनका फोकस जो है सरमायाकारी पर है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच है फिर। श्योर, देखिए एक तो ये कि हमें वैसे ही FDI की जरूरत है, इसकी वजह ये है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है दुनिया में, आपका बेहतरीन दोस्त जो आपका दूसरा बेहतरीन दोस्त है, दो दोस्तों पे तो आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं ना, सऊदी अरेबिया और चाइना। चाइना जो है उसने 30-35% तक अपना हुजम सरमायाकारी का ऑफ GDP बढ़ाया, आपका 14% भी नहीं है। सो अगर हम उन्हीं को फॉलो कर लें कई चीज़ों में, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान FDI, पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी कि इमरान जो है वो इतने सारे जो उनको पैसे मिलते हैं वो प्लॉट ना खरीदें बल्कि एक जूते बनाने की फैक्ट्री लगाएं और वो जूता जाके यूरोप में बेचें और पाकिस्तान का एक ब्रांड क्रिएट करें। सो यू नो, सो आई मीन दिस इज द रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, राइट? हम अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में इसलिए इन्वेस्टमेंट आसान है कि वहाँ कोई नो योर कस्टमर नहीं है, वहाँ पे हम आपसे पूछते नहीं आप कहाँ। एक सवाल बहरहाल मुझ समेत तमाम कहानियों के जहन में आता है, ये जो पेस है इस वक्त, जो पेस क्रिएट हुई है ओवरऑल इस गवर्नमेंट के आने के बाद, अगरचे क्योंकि बहुत तगड़ी गवर्नमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर इफ़ वी टॉक, लेकिन एक पेस बहरहाल हमें नज़र आती है, ख़ास तौर पे ये जो डेवलपिंग सेक्टर है या जो इकोनॉमिक सेक्टर है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के अंदर ऊपर नीचे मुख्तलिफ वफूद का आना, फिर अगर हिज रॉयल हाइनेस खुद आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी खबर है ओबियसली वर्ल्ड वाइड, और हमारे मुखालफों के लिए, हमारे दुश्मन ममालिक के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस पेस के पीछे आप क्या मोटिव देखते हैं? क्या SIFC जैसे इकदाम देखते हैं वो इसको पुश कर रहे हैं, सऊदी अरब की अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात देखते हैं और उसमें पाकिस्तान की इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या फैक्टर आप देखते हैं? तो नंबर ऑफ थिंग्स, पहली ये बात है कि जैसे कहते हैं कि वी हैव बीन काइंड ऑफ फोर्स्ड टू गो एंड फाइंड मनीज बिकॉज डेट आपको देने को तैयार कोई नहीं है। सो अब हम मतलब अपना घर ठीक करके मेहनत करने को आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स अ गुड पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, राइट? वी आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइन्स, एक बात है। दूसरी बात यह कि SIFC जो है वो एक तसलसल है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, सो दुनिया को भी दिखाई दे रहा है कि चलो दे हैव बीन एबल टू कोऑर्डिनेट, दे हैव बीन एबल टू ओवरकम द रेड टेपिज्म दैट एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। और एक रेड टेपिज्म बहुत वर्ड यूज होता है यार, एक इनर्शिया है इमरान हमारी स्टेट में, लोग घबराते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से, कोई इंसेंटिव नहीं है उनको ये काम करने का। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि देखें सऊदी अरेबिया इज फ्लश विद मनी एंड दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो, उन्होंने अभी ऊबर में इन्वेस्ट किया, सॉफ्ट बैंक में इन्वेस्ट किया, मतलब दे यू नो डूइंग बिगर इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की, यू नो जो फैक्ट्स हैं उनको बिलीव करा। पाकिस्तान में ये $5-8 अरब तो उनके लिए शायद उतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर हम अपना घर ठीक कर लें एनर्जी सेक्टर का, तो हम शायद एनर्जी सेक्टर को 5 साल में उनके साथ मिलके ना कुछ उनको यू नो LNG पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स, डिस्कोस, इनसे जान छुड़ाएं। और दूसरी जान छुड़ाएं मैं इसलिए कहता हूं कि वबाले जान बने हुए हैं, मतलब
मेरे और आपके $2-3 अरब का नुकसान करेंगे इस साल के, और मतलब इतना अनवायबल कर दिया है एनर्जी सेक्टर ने हमें, इनमें लाए। और फिर माइंस एंड मिनरल्स और एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में तो उनकी एक समझ है। यू नो, मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो एग्जॉन के लिए कतर में, यानी कि ही वर्क्स फॉर एन अमेरिकन कंपनी बट ही इज बेस्ड इन कतर, और वो कतर में खुदाई करते हैं कि उनका एलएनजी निकले, निकाल निकाल के एलएनजी कतर का नक्शा बदल दिया है पिछले 5 साल में। इज अ पाकिस्तानी। अब जस्ट थिंक के क्या ये खुदाई हम अपने सीज में नहीं कर सकते, क्या ये खुदाई हम अपने जमीन में नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी टू टेल, बट स्टोरी तब बनेगी जब हम अपना वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको टेलर एज वेल। अच्छा, और डॉक्टर साहब, IMF का वफ भी आ रहा है पाकिस्तान रवामा, और जो उस पर गुफ्तगू होगी कर्ज प्रोग्राम पे, बजट की तैयारियां भी सर पर है। हुकूमत ऐसे में जो है वो रिफॉर्म्स का भी इरादा रखती है, किस तरीके से कर पाएगी रिफॉर्म्स, और बजट कैसा होगा, कैसा देख रहे हैं आप? आम आदमी को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता देख रहे हैं? एक तो है ना, आपने कल का जो न्यूज़ अखबार है उसका जो मेन आर्टिकल है उसका नाम है बजट 25 बियॉन्ड अकाउंटिंग एक्सरसाइज, वो आपने जरूर पढ़ना है। वो मैंने ही लिखा है और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ आई वाज टू राइट पाकिस्तान्स बजट तो वो कैसा दिखाई देता, वो किस रिफॉर्म से दिखाई देता। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर करंट गवर्नमेंट लिखने जा रही है तो वो ये बजट होगा, बिकॉज ये 5 साल की, जिसे कहते हैं जो आपका घर बन रहा होता है ना, तो जो उसकी बुनियाद रखेगा, अगर तो ये बजट अच्छा हुआ है ना तो ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की बेहतरी जो है आपको दिखाई देगी, और IMF की एंगेजमेंट स्मूथ हो जाएगी। अगर वीक बजट हुआ और वो डॉक्यूमेंट का लेवल ना हुआ जो होना चाहिए, मैंने एक एक आंसर का खद्दोखाल जो है वो एक्सप्लेन किया है कि टैक्स साइड पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, ताकि हम IMF को भी कह सकें कि हमें भी कुछ आता जाता है, हम आपके 11 PhDs के सामने एक अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। IMF तो देख रहा होता है कि कंट्रीज अपनी कहानी बताएं, टेल योर स्टोरी, व्हाट यू वांट टू डू, एंड ऑन दैट बिल्ड अ प्रोग्राम दैट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फॉर पाकिस्तान, दैट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फॉर द पाकिस्तान्स इम्प्रूवमेंट इन पैदावारी सलाहियत, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी इन रेकोडेक एंड अदर एरियाज बट इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दूसरी जाने, बिल्कुल आखिरी मिनट है, हम अगर पाकिस्तान में, जैसे रिसेंट एक वीट क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस तो नहीं है, सॉर्ट ऑफ स्कैम ही मैं इसको कहूंगा, और फिर उसमें हमारी नेग्लिजेंस बहुत हद तक वाजे है, चाहे वो जिसके भी एंड से है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं लूप होल्स छोड़े गए हैं जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। जब ऐसी एग्जांपल्स हम रखेंगे और वो मीडिया के अंदर आएंगी, तो फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या जो मुख्तलिफ लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हम डालें? डोंट यू थिंक इमीडिएटली हमें न सिर्फ ऐसी मिसालों से दूर होना होगा, बल्कि अगर ऐसा एक स्कैम हमारे सामने है तो इसके जिम्मेदारों को सजा दें और दुनिया को दिखाएं कि हम एक्चुअली अब उस राह के ऊपर है कि हमने चीज़ों को ठीक करना है। इसका जितना शॉर्ट टर्म रिफॉर्म और मीडियम टर्म रिफॉर्म वीट सेक्टर में होना चाहिए, कभी आप पूछ लीजिएगा, हफ्ते दो बाद मैं इस पे पर्चा लिख रहा हूँ, और एक बहुत काबिल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, उनके साथ मिलकर लिख रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा वो पर्चा, फिर हम इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रिफॉर्म्स इसमें दरकार हैं वो उनका इजरा करना चाहिए। जो पीछे लोग हमें तकलीफ दिए हमारी स्टेट को और ऐसा हुआ है, जरूर जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आए उस पर बेस करके लॉ एनफोर्समेंट या जो रूल अप्लाई होता है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उस पर हमें मूव करना चाहिए, ताकि हम दुनिया को बताएं कि हमने रिफॉर्म भी किया जहां पे गलती थी, जहां पे कमजोरियां थी, और उन लोगों को कैफरे करदार तक भी पहुंचाया जिनकी वजह से हमारी स्टेट की इज्जत पे आंच आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए, आपने मुख्तलिफ मामलों पर अपना कीमती तजिया सामने रखा। डॉक्टर खाकान बता रहे थे इस वक्त मईशत को किस किस्म की, जिसे ना इंजेक्शन की जरूरत है, और उसके बाद किस किस्म के रिफॉर्म्स की जरूरत है, और द बेस्ट पार्ट वॉज ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन की पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी टू टेल, बट ऑफ कोर्स वी नीड सम गुड स्टोरी टेलर्स एज वेल, जो कि स्टोरी को, या स्टोरी राइटर्स एज वेल, जो कि बेहतर तरीके से इसको फॉर्म करें। आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जिनके ऊपर बहुत मस्बत तरीके से काम हो सकता है, नताइज आ सकते हैं। हम इस पर बात करते रहेंगे और आगाह करते रहेंगे। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी।